मैं सोचता हूँ कि आचार्य लोकेश मुनि जी से मेरा लंबे समय से संपर्क था। गुरु जी का आदेश हुआ कि आपको इस दिन वहाँ उपस्थित होना है। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि मैं किस जगह जा रहा हूँ, पर मुझे लोकेश मुनि जी के एक तरह से आदेश से कि मैं ऐसे किसी न किसी श्रेष्ठ काम में खड़ा होकर जो पुण्य प्राप्त कर रहे हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे प्रभु ने मौका दे दिया, तो मुझे जरूर जाना चाहिए, इसलिए मैं आज आपके बीच में खड़ा हूँ। अनिल जी, वास्तव में आपकी सोच का सारा देश और दुनिया आपका अभिनंदन करता है। व्यक्ति तो धरती पर बहुत आते हैं, संपन्नता भी कईयों के पास होती है, लेकिन ऐसा सेवा का भाव मन में आना ही कोई न कोई अपने पुरखों का पुण्य है जिसके कारण से आपको ये ध्यान में आया और आपने अपनी धरती माता का कर्ज उतारने के लिए अपनी योग्यता का सेवा के रूप में प्रयोग करके जो यहाँ का ऋण उतारा है, इसके लिए मैं आपका और आपके परिवार का अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में डॉक्टर एस एस चोर पद्म भूषण भी हमारे बीच में उपस्थित है। वास्तव में आपकी उपस्थिति ही हमारे कार्यक्रम को चार चांद लगा देती है। मैं सोचता हूँ आपकी जो सेवा, आपका जो समर्पण, आपकी जीवन की उपलब्धि, आप भी एक वरिष्ठ नागरिक हो और मैं भी एक वरिष्ठ नागरिक हूँ, तो मैं सोचता हूँ वरिष्ठ नागरिक देश और दुनिया को क्या दे सकता है, ये आप और हम सब लोग अनुभव करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। अमरिंदर सिंह जी, श्री सिंघानिया जी, टस्की जी और आपके बाकी सब सहयोगी जिसको भी आपने इस पवित्र काम से जोड़ा है और वो जिस प्रकार से इस काम में सहयोगी बनकर काम कर रहे हैं, मैं उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ। इतने वर्षों की लंबी यात्रा को आपने जिस बखूबी ढंग से इसको आगे बढ़ाया, ये सबसे ज्यादा प्रशंसनीय है। काम प्रारंभ करना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन काम को निरंतरता देना और उसको आगे बढ़ाना, मैं सोचता हूं कि ये मेरे लोगों के भाग्य में लिखा रहता है। और मुझे सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि कहाँ न्यू जर्सी, कहाँ आपका व्यवसाय, कितने वर्षों का वहाँ का रहना सहना, लेकिन आपने अपने कर्म के द्वारा जो अपनी धरती माता जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, जिसने आपको मनुष्य बना करके गढ़ने का प्रयास किया, उन सब अपने वरिष्ठ पुरखों को आपने याद रख करके, ये वास्तव में जो पुरखों का, मैं सोचता हूँ कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनका देश निर्माण में कितना योगदान है, एक लंबा इतिहास लिखना चाहो तो मैं सोचता हूँ देश के निर्माण में जैसे ये वरिष्ठ लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया है, वैसे ही पूर्व के भी वरिष्ठ लोगों ने इस देश को भारत से विश्व गुरु बनाने का जो श्रेय मिला है, वो इन पुरखों की अपनी तपस्या, अपने त्याग, अपने सोच, अपने प्रयत्न से और जीवन में कुछ कर गुजरने की मंशा से इस देश को इतनी ऊंचाई मिली है। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि ये जो ड्रीम एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन जिस मंशा ने किया और वो भी जो बहनों ने एक छोटा सी प्रस्तुति दी, बस उसी में समझ में आ जाता है कि जिंदगी क्या है और क्या नहीं, कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। इसलिए वास्तव में हमारे यहाँ जो चाहे सिख धर्म चाहे कोई भी धर्म हो, ये जो वाणी के जो शब्द होते हैं और जब इसको मन से गुनगुनाते हैं तो ये अंतर के तार हिलाने का काम करती है और व्यक्ति को उस और दिशा में गढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं सोचता हूँ जिस वातावरण को बनाने का आपने यहाँ प्रयास किया,
उसकी एक हल्की सी झलक इन बहनों के वाणी से और इनके हाव भाव से आपको और मुझको सबको दिखाई देती है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आज 3 दिन की बच्ची को भी आपने यहाँ कोई छोड़ गया। वो बच्ची कितनी भाग्यशाली है कि वो शायद उसके माता पिता भी इतना अच्छा पालन पोषण नहीं कर सकते जो आप और आपके ट्रस्ट के जो सेवाभावी लोग हैं ये उसको करते हैं। मैं आपके साथ यहाँ की जो टीम है जो इस सेवा के कार्य को करती है उसका भी इन सब की ओर से जितने भी वरिष्ठ नागरिक यहाँ सामने बैठे हैं उनकी ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। वो जिस समर्पण भाव से यहाँ काम कर रहे हैं ये अपने आप में प्रसन्नता है। मैं सोचता हूँ कि ये जो वरिष्ठ नागरिक का जीवन है ना कि आपका हो या मेरा हो अगर इसको बुढ़ापे में कोई देखने वाला नहीं होना तो घुटघुट के मर जा। एकांतपना अकेलापन पूर्व के विचार पूर्व के किए हुए काम जब वो सोचता है तो वो वास्तव में मजबूर हो जाता है। पर आज की जो परिवार व्यवस्था है वो जिस प्रकार से परिवर्तित हुई है इसमें आप और हम भी कुछ नहीं करते। केवल वाणी से बोल देना एक आसान बात है लेकिन मैं भी अगर कोई ऐसा बच्चा हूँ जिसने इतना योग्य बनाया कि मैं देश और विदेश में अपने काम से बहुत ख्याति प्राप्त किया हूँ पर बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा कर सकूँ ये सौभाग्य और ये भी मुझे कोई पूर्व जन्म के कर्म से ही मिल सकता है बाकी कई बार चाहते हुए भी नहीं मिलता है। और आज जो सबसे बड़ी समस्या जो हम देखते समाज में वास्तव में वो जो समय होता है उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया योग्य बनाया आज वो देश और विदेश में काम कर रहे हैं लेकिन उनके बुढ़ापे का जब कोई सहारा नहीं होता है तब पता नहीं आपको कैसे ध्यान आया आप एक माता पिता के सहारे नहीं बने हैं कई माता पिता के सहारे बनाकर इस केंद्र को जिस ढंग से आप उठाया वास्तव में आपको एक माता पिता के सिवा का पुण्य नहीं ये सैकड़ों हजारों माता पिता का जो आपको पुण्य प्राप्त होगा ये ईश्वर ने आपको किसी योग से ही उपलब्ध कराया। मैं सोचता हूँ कि ये जो सामने बैठे हुए लोग हैं इन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की होगी कई योग्यताओं का परिचय दिया होगा इस देश और समाज के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा इसकी हर एक की अगर एक कहानी लिखो तो एक बहुत बड़ी किताब बन जाती है। ऐसे लोगों को आपने जिस सम्मान के साथ एहसान की दृष्टि से नहीं सेवा की दृष्टि से ये जो आपका संकल्प है ना वही वास्तव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आदमी कई बार सेवा करता है लेकिन उसके साथ उसका ईगो और अहंकार खड़ा हो जाता है मैं ऐसा कर रहा हूँ मैं ऐसा कर रहा हूँ मैं ऐसा कर रहा हूँ वो सेवा नहीं होकर के वो एक सेवा का दूसरा रूप बन जाता है। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में ये जितने लोग बैठे हैं इनकी सबकी अपनी अपनी एक अलग कहानी है लेकिन कुछ के बच्चे विदेशों में काम करने चले गए किसी के बच्चों को व्यवसाय के कारण से जाना पड़ा ये भी कभी गए होंगे उनके साथ लेकिन वहां की तबीयत नहीं लगती। हम सब लोग भी महसूस करते हैं कि कितनी भी बड़ी नौकरी में हो जाए लेकिन वापस अपने गांव जाने का बुढ़ापा निकालने के लिए सोचते हैं कि यहाँ जो मेरे बचपन के मित्र हैं इनके साथ बैठूंगा उठूंगा बात करूंगा तो मेरा दिन अच्छी तरह से निकलेगा और मेरा दिल और दिमाग ठीक रहेगा। यहाँ आपने इन सबको एक दूसरे के परिवार का हिस्सा बनाने का जो प्रयत्न किया यही इनका परिवार बन गया जिसके कारण से आनंद मंगल में और चेहरे पर रौनक है खुशी है ऐसा दिखाई दे रहा है ये सबसे बड़ा खुशी का मैंने वास्तव में मेरे को मुझे बताया कि आपने कोरोना में भी है ना पता नहीं लाखों लोगों को भोजन और सामग्री देकर के भी एक पुण्य अर्जित किया है। वास्तव में समाज के हर व्यक्ति ने कोरोना के समय चाहे वो गरीब था या अमीर था कुछ न कुछ करने का उसने प्रयास जरूर किया लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र इस देश के डॉक्टर हैं क्योंकि वो कार्यकाल आपने भी देखा मैंने भी देखा वरिष्ठ नागरिकों के हिसाब से भी मैं सोचता हूँ अपना परिवार का बच्चा अपने को छूने में डरने लग गया कि कहीं मुझे कोरोना हो जाए
अकेले माता पिता को हॉस्पिटल में भर्ती करा करके भगवान भरोसे छोड़ के आ गए, तो वहां बिस्तर पे सोया सोया आसमान देखता है और मन में सोचता है कि क्या ये दिन देखने का सौभाग्य मुझे मिल गया या दुर्भाग्य मेरा। तो कई लोग उस डिप्रेशन में चले गए, लेकिन हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने, मैं सोचता हूँ कि बहुत हिम्मत का काम किया है। हम सब लोगों ने जिनको उनके भरोसे छोड़कर आगे थे, उनको उन्होंने बिना संकोच, कई डॉक्टर भगवान के प्यारे हो गए, कई मेडिकल स्टाफ प्यारे हो गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और उसके कारण से इस कोरोना की महामारी से हम लोग निकल करके बाहर आ गए। और हमने जो वैक्सीन तैयार की इस देश की, ये शायद पहला अवसर है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद। हमेशा हम वैक्सीन आप अमेरिका से या बाकी से लाके अपने बच्चों को जिंदा रखते थे, पर पहली बार हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने जो कमाल करके दिखाया। हम स्वयं भी विधायक होते, प्रतिपक्ष का नेता होते भी अपने घर में बंद होकर के सोचते थे पता नहीं कितने दिन रहेंगे, कितने दिन बाद चले जाएंगे। ऐसे समय में जो वैक्सीन बनाई, और देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, मैंने पहला प्रधानमंत्री देखा जो लेबोरेटरी में जाकर के अपने वैज्ञानिकों के पीठ पर खड़ा रहता है और कहता है प्रयत्न करो, प्रयत्न करो, सफलता ईश्वर जरूर देगा। जब तुम किसी पुण्य का विचार करके कोई काम करने निकलते हो तो वो भी एक कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें जरूर मदद करेगी। और आपने देखा दो वैक्सीन बन, और दो वैक्सीन को जिस तरह से आप लोगों ने भी सेवा के माध्यम से हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का जो अभियान चला, उसमें जो सहयोग है वो भी अपने आप में एक अनुकरणीय है। तो वास्तव में मैं सोचता हूँ कि फिर आपने यहाँ बच्चों को है ना मार्गदर्शन भी करते हैं, उनको जिंदगी में किधर जाना है, कहाँ जाना है, कौन सी लाइन उनके लिए ठीक होगी। तो मैं सोचता हूँ कि कई बार सामान्य परिवार में और गाँव में पैदा होने के कारण से उसको इस दिशाओं का पता नहीं होता है, जिधर उसे मौका मिल जाता है उसे तक। हेल्थ केयर के रूप में भी आप अपने सेंटर में जिस प्रकार का काम कर रहे हैं वो बहुत स्वागत योग्य है, मैं सोचता हूँ कि उसके लिए। और ये जो हेवनली बैलेंस पहल है, ये जो महल है, इसमें 400 से अधिक वरिष्ठ नागरिक यहाँ रह करके आपस में एक दूसरे के परिवार के सदस्य होकर के जिस प्रकार से अपना खुशी से जिंदगी गुजारते हैं, ये है वास्तव में इनकी जिंदगी का सबसे स्वर्णिम अवसर जो इन्हें घर पे भी नहीं मिला। घर पे भी दो तीन चार लोगों के बीच में ही रह होंगे, लेकिन यहाँ 400 लोगों के बीच में एक परिवार सा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। मैंने अभी देखा है कि यहाँ कई बच्चे जो है ना, आप देखा जिनको कोई नहीं देखता उनको आप देखते वाले, हम लोग भी सड़क पे देखते हैं और आंख बंद करके निकल जाते, हमारे मन में भी दया का भाव पैदा नहीं होता। कई बार लगता है कि वास्तव में कौन है, कहाँ है। अब ये 3 दिन का बच्चा और बच्ची जो छोड़ गया होगा उसको लाना, और इस तरह से उसका खुश मिजाज, और उसे अनुभव ही नहीं हो रहा है कि मेरे माता पिता नहीं है, मेरे यहाँ माता पिता से भी बड़े संभालने वाले लोग हैं। वास्तव में आपका बहुत अभिनंदन, और आप सब वरिष्ठ नागरिकों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आपके परिश्रम और आपकी मेहनत के कारण से देश को इस ऊंचाई मिली। मैं सोचता हूँ कि आपने जो कुछ भी काम किया ना, उसको याद रखना, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हम सबका दायित्व है, क्योंकि उनके परिश्रम और उनके समर्पण के कारण से देश की यात्रा यहाँ तक पहुंच पाई है, उसमें इनका सबका योगदान है। वास्तव में इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में बचपन में ही हमको सुलेख में निकालते थे, पर दुर्भाग्य है आज की शिक्षा में हमें माता पिता का सम्मान करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, सच बोलो, ये करो, लेकिन धीरे धीरे ये सब वाक्य उड़ गए। और उसके कारण से अगर जो कुछ भी आज नई पीढ़ी आ रही है उसका दोष नहीं है, दोष तो हमारा है, हमने उसको सिखाया ही नहीं, तो हम उससे क्या चाहते हैं। अगर हम उससे कुछ चाहते हैं तो उसे तैयार करने का काम भी तो हम सब लोगों का है। तो मैं सोचता हूँ इस वातावरण में जब बार बार प्रधानमंत्री कहता है 2047 में भारत ऐसा होगा, हम विश्व गुरु को थे तो तलवार के बूते पर नहीं थे, अपने ज्ञान के बूते पर थे। मैं सोचता हूँ इस देश का सोच इतना महान है, जियो और जीने दो,
इन संत बैठे हैं, कौन कह सकता है कि जो सार आपस में लड़ रहे हैं अपने अहंकार के कारण से, अपने फैलाव के कारण से, या अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान के कारण से, बाकी कहां से हो सकता है। तो मैं सोचता हूँ मनुष्य के जीवन की यह जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो जीवन शांति और मोक्ष प्राप्त करना, ये मनुष्य का लक्ष्य होता है। और इस आकृति में भगवान भेजता है, ये बहुत मुश्किल से मिलता भैया। ये जो अनिल जी है ना, उनके भी यही पुर्जे हैं और हम सब लोगों के भी मशीन में यही पुर्जे लगाए हैं। एक अपने पुर्जे का उपयोग इस दिशा में करके अपने आप को एक तरह से एक अपनी सोच को आगे बढ़ाता है। हम लोग भी तो कर सकते हैं, कौन कितना करेगा ये इसका महत्व नहीं, कौन किस भाव से करेगा ये इसका महत्व है। तो मैं सोचता हूँ हम सब लोगों को भी इनकी इस यात्रा में सहयोगी बन करके किस तरह से हम अपने अपने जीवन को, अपने इन अभाव में जीने वाले लोग, मैं सोचता हूँ कि जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, जो अभाव में जिंदा रहते हैं, ये तो ठीक है, सरकार की कई योजना ऐसी आ गई कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। मैं सोचता हूँ कि आयुष्मान योजना ने मेडिकली सबको मजबूत करने का प्रयास किया है। और अभी जो घोषणा प्रधानमंत्री जी की 70 साल से ऊपर हर व्यक्ति आयुष्मान से इलाज कराने के लिए योग्य है, मैं सोचता हूँ सबसे ज्यादा बुढ़ापे में कोई तकलीफ आती है तो वो इलाज की आती है। जब चारों तरफ से निराशा ही निराशा हाथ लग जाती है, तब एक आशा की किरण दिखती है तो लगता है। मैं सोचता हूँ सरकार की योजनाओं में भी कई तरह से जोड़ा है, एज के साथ पेंशन में वृद्धि करते हैं, मतलब 70 साल के हो गए तो इतना मिलेगा, 80 साल के हो गए तो इतना मिलेगा, 90 साल का इतना मिलेगा। ये तो राज्य की नौकरी करने वाले मिलेगा, ये जो सामान्य वर्ग है उनको कहां से मिलेगा। कोई कोई हमें योजना इस प्रकार की बनानी पड़ेगी, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो किसान हो, उसके बुढ़ापे में कोई सहारे का सोचना पड़ेगा कि उसको किसी तरह से कैसे फीड किया जाए। मैं सोचता हूँ देश के विकास में ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पायदान है कि जहाँ का हर आदमी खुश मिजाज और अच्छे मिजाज में रहे तो वास्तव में देश अच्छा है। अगर देश कितना भी अच्छा है लेकिन आधे लोग अगर भूखे सोते हैं तो हम उसको अच्छा नहीं देते। मैं सोचता हूँ इसके लिए हम सब लोगों को अपने अपने स्थान पर जो भी हम कर सकते हैं वो हमको करने का प्रयास करना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में भी इसकी व्यवस्था की है ना। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात की चिंता की कि समाज में यह जो ऊंच नीच का अंतर है, ये जो छुआछूत का जो राक्षस इस देश में घुस गया है, हमारे यहाँ कभी छुआछूत नहीं था। भगवान कृष्ण और सुदामा एक ही विद्यालय में पढ़े थे, इसका मतलब समझाता है भारत क्या सोचता है। हमारे यहाँ महिलाओं को घूंघट निकालने की जरूरत नहीं थी, महिलाएं उतना ही सम्मान प्राप्त करती थी, लेकिन आतंकियों के आक्रमण के कारण से हमारी माँ बहनों को सुरक्षित रखने के लिए हमने इस प्रथा को चालू किया। तो मैं सोचता हूँ वो आज एक अभिशाप बन गई, इससे कैसे मुक्त मिले। मैं सोचता हूँ कि आज मैं जब राज्यपाल के रूप में कन्वोकेशन में जाता हूँ ना, तो मैं जब गोल्ड मेडल की लिस्ट में गोल्ड मेडल देता हूँ ना, 60% उस यूनिवर्सिटी में बच्चियां गोल्ड मेडल देती है। का मतलब क्षमता तो है, क्षमता का अगर उपयोग करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अगर क्षमता का उपयोग नहीं करेंगे तो केवल एक पहिए से गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी के दोनों पहिए मजबूती से आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के बढ़ता है। तो मैं वास्तव में आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना, ये भी मेरा कोई पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे जिसके कारण से मैं कर नहीं पाया, पर हाथ का हाथ लगा करके भी कुछ पुण्य प्राप्त करने का प्रयत्न जरूर करूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं भी जो कुछ मेरे से हो सकता है मैंने करने का प्रयास किया। राजनीति में 40-45 साल की यात्रा है, जो मेरे से संभव हो सका, और मैं सोचता हूँ कि यहाँ तक जो मैं पहुँचा हूँ ना, वो किसी न किसी मेरे पुरखों की और ये जो संत हैं इनकी वाणी को सुनकर के कुछ जीवन में सीखने की एक दिशा मिल गई, उसको पकड़ करके आगे बढ़े। मैं आप सब वरिष्ठ नागरिकों से भी निवेदन करता हूँ कि आप वास्तव में इस संस्था के
इस वरिष्ठ नागरिकों की जो टैलेंट है उनका उपयोग करने का प्रयास करो। कारण क्या है कि आदमी रिटायर तो भले 60 साल में हो जाता है पर उसके पास टैलेंट है, वो कम से कम भी 75 साल तक आराम से काम कर सकता है। आजकल जो आदमी के स्वास्थ्य की जो स्थिति बनी है, पहले हम 50-55 साल में बुढ़ापा दिखने लग जाता गाँव में, अब वो बुढ़ापा नहीं दिखता है। कर्म शक्ति है समाज, उस बड़ी कर्म शक्ति का उपयोग किस तरह से करे, क्या क्या उनको दस्तावेज जिसके कारण से उनकी योग्यता उनकी काबिलियत का उपयोग समाज और देश निर्माण में हो सकता है, उसका भी हमें विचार करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि जिन बालकों को आपने संस्कार दिया है, जो कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पेश किया है, ये निश्चित रूप से लगता है कि आपने बच्चे का सर्वांगीण विकास का दिमाग लगा करके किया है। और जिन प्रकार के विचारों से बच्चों को बचपन में जोड़ने का प्रयास किया, यही हमारी उपलब्धि है। अगर अनिल जी आप ये जो सोचते हो ना, इसका मतलब यह है आपको बचपन में आपके माता पिता ने आपको इस प्रकार का वातावरण दिया जिसके कारण से इतने योग्य बनने के बाद भी इतनी नम्रता के साथ इस सेवा के संकल्प में लगे हुए हो, ये कोई ना कोई चमत्कार है। आपका और आपकी टीम का अभिनंदन करता हूँ और यहाँ काम करने वाले सभी जो मेरे साथी है उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सब वरिष्ठ नागरिक और बच्चों का भी मैं बहुत बहुत आदर विनयपूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।